अपनी बचत पर पाएं पूरा लाभ। खोलें यस बैंक के साथ बचत खाता और पाएं 6% ब्याज। इंडिया बोले यस, एक लेस कैश इकोनॉमी को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं यस बैंक में, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं यस बैंक में, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको आज यस बैंक के सेविंग अकाउंट ओपनिंग के डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल पेज पर जाना होगा और यहाँ पे यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.yesbank.in टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद चले जाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO एस मैसेज, तो जैसे मिस्टर राणा कपूर, यहाँ पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा स्क्रॉल डाउन करके। तो अभी हमें जो सेविंग अकाउंट खोलना है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो हम यहाँ पे ओपन एंड सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो भी आप होंगे, मेल या फीमेल जो भी होंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे मेल हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका एज, तो यहाँ पे आपकी जो भी एज होगी 18 से बिलो होगी, तो यहाँ पे 0 से 18 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एवब होगी 22 तक, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं 18 से बिलो हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने ईयर्स का ओल्ड कंट्री जो भी होगा, आपका कंट्री इंडिया तो इंडिया, आउटसाइड इंडिया होगा तो आउटसाइड इंडिया। तो मैं अभी इंडिया पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इंडिया को। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्टूडेंट हूँ। अगर इसमें स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ मैं यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अभी और स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फिर से एक पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको पर्पज़ पूछेगा, यानी आप किसके लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं, पर्सनल या बिजनेस के लिए। तो मैं अभी पर्सनल के लिए, मैं यहाँ पे पर्सनल को सिलेक्ट कर लूँगा। पर्सनल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं आई कैन मेंटेन मंथली बैलेंस ऑफ 10,000। कम से कम आपको 10,000 रुपीज़ मेंटेन करना पड़ेगा मंथली के लिए। और अगर आप इसके लिए और ज़्यादा कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी मैं मंथली कम से कम आपको 10,000 तो रखना ही पड़ेगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे अभी सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फिर से एक पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपके नियर जो भी ब्रांच होगा, तो आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन डाल के अपना ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे अपनी ब्रांच पता है, तो मैं यहाँ पे सीधे यहाँ पे गेट ए कॉल पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ से आपसे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, यस एंड नो। जो कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे तो यस पे, नहीं होंगे तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं अभी नया अकाउंट खोल रहा हूँ, तो मैं नो पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फिर से अपना पूरा इन्फॉर्मेशन भरना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा फॉर्म भर दिया है। तो भरने के बाद यहाँ पे आपको पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करना होगा, मिस्टर मिसेज जो भी होंगे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना नेम भरना होगा, फर्स्ट नेम जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम भरना होगा। तो भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए आई वुड लाइक टू नो अबाउट सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जिस अकाउंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं अभी अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे दिल्ली, तो दिल्ली पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट सिटी करना होगा, तो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट सिटी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा वो मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यस बैंक की तरफ से अपना कॉल लेना है, तो यहाँ पे आपको वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना वैलिड मोबाइल नंबर दे दिया हूँ। तो देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना जीमेल आईडी देना होगा। वैलिड जीमेल आईडी दीजिएगा, ताकि उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना यहाँ ये कैप्चा आपको इसमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना कैप्चा भर दीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको फिर से आपको क्लिक टू अप्लाई, अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट सबमिट रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
आपको अपना ऑथेंटिकेशन नंबर यहाँ पे भरना होगा, जो कि आपके मैसेज मोबाइल नंबर पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा। अगर आपको नहीं, आपके मैसेज नहीं आया होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद आपको अब कहना होगा कि मैं अपने सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी यस बैंक के एजेंट होंगे वो आपके घर पे आएंगे, और तो आप और आने के बाद आपका अकाउंट वहीं पे इंस्टेंटली खोल देंगे आपका प्रूफ लेके। सबमिट करने के बाद ऐसे में आपका अकाउंट इंस्टेंटली खोल दिया जाएगा यस बैंक में। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कमेंट या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा, मैं आपका रिप्लाई बहुत ही जल्द करूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अंको ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है। और दबाने के बाद फिर से आपको एक घंटे का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अंको ऑनलाइन फैमिली के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।